छात्रा पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है। थाना राया पुलिस और स्पेशल टास्क टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 10,000 रुपए का एक इनामी गैंगस्टर शैलू गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उसके दो साथी काना और सीताराम सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इनके कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल व तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। यह सभी पूर्व में हुई लूट व हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल थे। थाना राया की पुलिस और स्पेशल टीम जो कि पुरस्कार घोषित अपराधियों पकड़ने के लिए जनपद में बनाई गई है, को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बलदेव से राया की तरफ किसी वारदात की फिराक में आने वाले हैं। इस सूचना पर थाना राया की पुलिस और स्पेशल टीम के द्वारा इस रास्ते पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम ने उनको रुकने का इशारा किया तो उसमें से एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायर किया, जिसमें से की गोली एक बदमाश के पैर में लगी। पूछताछ में उस बदमाश ने अपना नाम शैलेंद्र उर्फ शैलू बताया, जो कि गैंगस्टर एक्ट में जनपद आगरा से वांछित था तथा इसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी था। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे जनपद आगरा एवं अन्य स्थानों से दर्ज हैं। इसके दो अन्य साथी जो कि जिनका नाम सीताराम और कन्हैया है, जो कि नगला देह के इसी के गांव के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तारी हुई है। मौके से तीन तमंचे, तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।